और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिवाली के दो दिन बाद दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल में हल्का सुधार हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 बना हुआ है, वहीं बाकी इलाकों में भी सुधार दर्ज किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में हल्का सा सुधार दर्ज किया गया है। दिवाली की अगली सुबह एक और जहां दिल्ली का AQI बेहद खराब की श्रेणी में था, वो अब एक बार फिर से खराब की श्रेणी में आ गया है। यानी दिल्ली के AQI पे पहले की तुलना में काफ़ी सुधार दर्ज किया जा रहा है। जो पहले रेड जोन में था अब येलो जोन में आ गया। इस वक्त मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पे हूँ और यहाँ से हम लगातार बीते कई दिनों से आपको प्रदूषण की सीधी तस्वीरें और वीडियो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अब विजिबिलिटी में काफ़ी सुधार हो गया है। अगर पहले विजिबिलिटी कम थी तो अब यहाँ पर सब कुछ देख पाना काफ़ी आसान हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में जो बेहद ख़राब की श्रेणी में AQI था वो अब खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। अगर बात आनंद विहार इलाके की करें तो वहाँ पर AQI अभी भी 380 के पार है। वहीं बुरारी, आरकेपुरम, द्वारका, विवेक विहार, सोना विहार, वजीरपुर, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर अभी भी AQI बेहद ख़राब की श्रेणी में बना हुआ है। लेकिन कई ऐसे स्टेशन हैं जहाँ के AQI में सुधार हुआ है। अभी भी आपको हल्की सी धुंध की एक चादर नज़र आएगी लेकिन विजिबिलिटी पहले से काफ़ी क्लियर है। एक और जहाँ दिवाली से पहले लगातार पटाखों पर सियासत हो रही थी, दिल्ली में पटाखों के बिक्री, भंडारण, उत्पादन तीनों पर ही 1 जनवरी 2025 तक रोक लगी हुई है। बावजूद इसके दिवाली के बाद दिल्ली के AQI में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। अब पहले की तुलना में देखा जाए तो अब AQI में सुधार है।